आज बनाएंगे हम गौरी मांगसिल। इट मींस पोर्क। ये देखो कितना सारा फैट्स है, और अभी उसको साइज में हमने काट दिया है, छोटे छोटे पीस में, मीडियम साइज में। फिर साइड में लिया हुआ है ये फर्मेंटेड बैम्बू शूट, उसको सोडोम बोलते हैं, बास्टिंगा बोलते हैं। फिर ये साइड में देखा आपने फर्मेंटेड अखुनी, सोयाबीन, फिर गार्लिक, जिंजर एंड ड्राई चिली। बस यही हमारा इंग्रेडिएंट्स होगा आज। तो चलो गैस ऑन किया, इसके बाद में कढ़ाई जो ऑन करके गरम हो गया। अभी अभी हम डालेंगे पोर्क। देखो अभी कितना गरम हो गया है कढ़ाई। फिर थोड़ा देर उसको ऐसे रखेंगे, डालेंगे अभी पूरा। अभी ये जो फर्मेंटेड सोयाबीन था, फर्मेंटेड बास्टिंगा, उसको हम लोग डालेंगे। वो पानी में भिगोया हुआ था। अब वो जो आखुनी है वो भी डाल दिया, बस उसको थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हम लाइक ड्राई फ्राई जैसा करेंगे, थोड़ा सा जला देंगे। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हिलाना है क्योंकि ये फैट्स हैं, फैट्स ज़्यादा हिलाएंगे तो तेल ज़्यादा निकलेगा, इसलिए बस थोड़ा सा हिलाकर पानी डालना है। बस अभी इसको छोड़ देना है बॉईल करके। अभी देखिए अच्छी तरह से ये बॉईल हो गया। अभी जो गार्लिक था, जिंजर चिली, उसका पेस्ट बनाकर अभी उसको डालना है 2 स्पून। बस अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप डाल सकते हो, और 1 चम्मच। बस ये डालकर थोड़ा सा हिलाकर उसको छोड़ देना है। तो देखिए अभी ये पूरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मिक्स होकर उसको अभी छोड़ देना है। तो अभी ये दूसरी कढ़ाई में हमने तो ये मेजिंगा गुटी जो कि शेजवान पेपर है, तो उसको हम अभी थोड़ा ड्राई फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा ले लेते हैं जितना हमको चाहिए, थोड़ा सा ले लेते हैं। फिर अब थोड़ा सा उसको जलने नहीं देंगे, तो थोड़ा अच्छी तरह से हिलाएंगे। बस हो चुका है, अब हम इसको एक जगह में डालकर अभी अच्छी तरह से पीसेंगे। अच्छी तरह से पीसना है, तो पूरा पाउडर बना देना है। पीस कर पीसो 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 पीसो, अच्छी तरह से पीसो। हाँ ये हो गया, अभी मिलाओ, अभी ये पाउडर को डालो, अच्छी तरह से मिक्स करो। हाँ मिक्स होने के बाद आप उसको छोड़ना है, छोड़कर उसको थोड़ा देर ढक्कन लगा देना है। तो अभी देखिए आधा घंटा के बाद अब उसका पानी सूख गया है, देखो। हाँ अभी देखो कितना डार्क हो गया है, अभी उसका कलर भी अच्छा लग रहा है अभी देखने के लिए भी। बस थोड़ा सा हिलाकर देखना है कि मतलब नीचे ज़्यादा चिपक तो नहीं गया। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हो गया है ये। तो बस उसको अभी फिर ढक्कन लगा के अभी देखते हैं। अच्छी तरह से पक चुका है वो, धुआं धुआं हो गया है पूरा एकदम मौसम। अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है, तो अभी हम बाउल जो है चेंज करते हैं। अभी उसको दूसरे बाउल में चेंज कर देंगे। इसका देखिए आप कलर कितना अच्छा लग रहा है, पूरा सॉफ्ट हो गया है, इसका कलर भी पूरा डार्क ब्राउन हो चुका है। तू बनाई ना? यस।
Ay, sabo! Well done. What was that? Overbug. Mmm. I'm bad, but salt is good at all, babe. I'm bad. I don't know if you need that. Last thing I love, wow. What are you making now, though? Flavor ahead. Act number. Okay, chalo, success. Like that restaurant, kulu mulay pala laga. Happy to hear it. Overbug. Chalo, to success hoy gal na. Over. Wah!